दो जगह हथियार दिए हैं, एक एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो वो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे, अगर ये बाय चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है, इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को उसमें से आधी लोग घर के होंगे, जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को स्टेज पे, जो स्टेज पे चार लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है, चार लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राई थाने का जो है, वो राई थाने का कौन है, थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? राई थाने में है, राई थाने में प्रदीप SHO है। वो कभी हमने थाने के आगे देखा नहीं, जब भी हमसे मिलने आता था सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता, उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर, नेताओं की फोटो किस कौन कौन थे सर? उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं सर, हमारे पास नहीं है वो। दिखा दीजिए फोटो, तो दिखा दीजिए। ये बंदा कौन है जो पीछे खड़ा है? अपने अपने अपने, है अपने। चलो फोटो ना किसी के दिखाओ, क्या हो? बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है, वो पुलिस को देता है। बत्ती में से चार आदमी है जिनका नाम इसने बताया है, और वो जो देखिए वो चार की बात नहीं है, ये सरकार की जो साजिश है उसका पर्दाफाश है, वो पाश ये आंदोलन की बात, केवल आंदोलन की बात है, इसलिए किसी का हम नाम नहीं लेंगे, वो किसी में भय नहीं डालना है, लेकिन चार आदमियों का नाम इसने बताया। इसने जाट आरक्षण में भी इस तरह के काम करे हैं, पहले रई में, रई कहाँ पे, गुआना में जब जाट आरक्षण हुआ तो इन्होंने काम करा, ये बताया। बात सुनो, वो राम से बोल रहा है, अब क्वेश्चन करोगे तो नर्वस होता है, उसकी बात सुनो। चार लोगों की बात नहीं है, ये आंदोलन की बात है। आंदोलन को कैसे डिस्टर्ब करना है, आंदोलन में कैसे बैक क्रिएट करना है, ये बात है। ठीक है, जो बोलता है वो सुन लो, ये थोड़ा घबराया हुआ है, थोड़ा ऐसे ऐसे तो काम नहीं किया होगा ना, गरीब परिवार का लग जाए। हमने सिर्फ पैसों के लिए काम किया था, कुछ मेरी जरूरतें थी उसके लिए हमने काम किया था। ये थोड़ा उच्ची बोल दो बेटा। सर, हमने पैसों के लिए काम किया था, हमारे इसमें से और भी लोग हैं जो अभी पकड़े नहीं गए हैं, जो इनको 26 तारीख को तितर बितर करने हैं, 50 से 60 आदमी है उसमें, 50 से 60 आदमी। और मैं प्लीज कृपया करके चाहूंगा कि आप हमारी फैमिली तक ना पहुंचे बात। ये हाँ जी सर, कोई बात नहीं, कर ले यार। 10,000 रुपए की सर, 10,000 रुपए, 10,000। काइंडली सारी गल लंबी है, अभी गल कर लेने, सुन लेने दो यार, एक बार पूरी कर लेंगे तो बेटा, अपनी बात पूरी करो, इसको पूरी करने दो, इसको क्वेश्चन ना करो। 10,000 रुपए की हुई थी सर इसमें, और जो लड़के हैं सर
वो अगर हमारा भी एक और है, अगर पीछे से उठ रहा है हमारा जो जो लड़की है उसका भी ऑर्डर आया, अगर यस होगा, क्योंकि 99% पता है हमें कि होगा ये, ठीक है, अगर 10% ही हो सकता है कि ना भी हो, ठीक है, 10% ऐसा ही भी हो सकता है कि ना भी हो ये काम। और जो माखन भोपाल है पर वो यहाँ पे आ चुके हैं वो, ठीक है, जो लड़के आएंगे उनकी पहचान भी हमने बता दी है कि भाई कैसे कैसे दिखेंगे वो, कैसे दिखेंगे वो लड़के, ठीक है, कोई लोड नहीं, बोलो। वो लड़कों ने बूट के जूते पहने होंगे, पगड़ी पहने होंगे और फटी हुई जीन्स होगी, और जो लड़के जो रैली में आएंगे वो 7 आदमी होंगे, वो पुलिस की ड्रेस में होंगे वो सारे, ठीक है। हमने सिर्फ इतना पैसों के लिए किया था, कुछ अपने ख्वाहिशों के लिए, और हम इसमें सिर्फ 4 साल से काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है, और इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं पता। और हमने इससे पहले जो नरेले में जो करनाल में हुआ था, जो करनाल में जो करनाल में हुआ था, जो ये जो किसान लोग वहाँ भी थे, हमने उनको बोला भी था कि आप लोग हट जाओ, पर वो लोग नहीं माने, उसमें भी थे सर हम, उसमें भी थे, हाँ जी। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जाट आंदोलन में क्या रोल था तुम्हारा भैया? हाँ जी, जाट आंदोलन में सर हमारा रोल था सिर्फ पुलिस की वर्दी पहन के लोगों पे लाठी चार्ज करना। और ये पुलिस की वर्दी कौन देता है आपको? हाँ जी, पुलिस की वर्दी कहाँ से मिलती है? देता कोई नहीं है सर हमें, कौन देता? हमें देता कोई नहीं है सर हमें। जैसे ऑर्डर की बात की थी और आपको ऑर्डर किसने दिए, आपको पैसे किसने दिए? जाट आंदोलन में पैसे मिले होंगे ना? हाँ जी सर, उसमें सर उसी ने दिए थे सर, पर वो हमेशा आता नहीं है, वो सर किसी और लड़के के थ्रू भेजता है पैसे। एक बार छोड़ो, एक क्वेश्चन बात कर लो पहले, तो पूछ लो अभी तक मेरे पास कोई हथियार नहीं था सर, मेरा कौन से आराम से मेरा काम सिर्फ इतना था। कोई गल चलता ना, डरना नहीं, आप आराम से बोलो। मेरा काम सिर्फ इतना था कि इन लोगों के पास देखना कि हथियार है नहीं है। यार भाई यार तू बोलो दोबारा बोलो। गैंग वैंग से भी जुड़े हो तुम लोग? नहीं सर, नहीं सर। आपका काम कितना था आप ये बताइए पहले। सर मेरा काम सिर्फ इतना था कि जो इनके पास देखना कि हथियार है नहीं है। किनके पास? जो लड़के हैं उनके पास हथियार देखने थे हमने। आराम से सवाल करो, एक आदमी बोलो। भाई अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आपने साझा किया है किसी से आगे? साथ आप जुड़े हुए हो? नहीं सर। टोटल कितने लोग हैं? हमारी टीम में सर 10 लोग। कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? कोई लड़कियां भी हैं आपके साथ? कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? जो 10 लोग हैं वो सारे मेल हैं? लड़कियां भी हैं सर, प्लीज एक क्वेश्चन कर लो। कितने दिन से यहाँ पर एक्टिव थे आप? सर पिछले 2 दिन से। और 10-10 लोगों की कितनी टीमें हैं? सर हमारी टीम में सिर्फ 10 लोग हैं, और आगे आगे जो दूसरे लोग हैं उनका हम कुछ नहीं बता सकते सर। लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं? सर लड़कियां 2 हैं सर इसमें। लड़कियां 2 हैं? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं वो? उनकी क्या पहचान है? और पहचान क्या है उनकी? नहीं सर हमारे पास उनका पहचान जैसे आपने उनकी बताई थी कटी हुई पैंट है। पूजा और सुमिता। नाम बताओ। नाम पूजा और सुमिता। बोल दिया भाई, पूजा और सुमिता। ये बताओ आदेश कैसे मिलता था आपको? क्या फोन पे आता था, व्हाट्सएप पे आता था, या फिर किसी और जरिए से? सर लैंडलाइन पे फोन आता था सर। लैंडलाइन पे? आप यहाँ पे लैंडलाइन कहाँ से यूज करते थे? सर हमने करते थे वो करते थे लैंडलाइन से फोन आता था सर हमारे इस पे मोबाइल पे। हाँ जी। हाँ, क्या किस तरह के आदेश आते थे सर कि भाई काम आगे करना है नहीं करना? सर नंबर क्या दिल्ली का था या हरियाणा का किसी डिस्ट्रिक्ट का है? सर लैंडलाइन से आता था। लैंडलाइन के आगे कोड तो होता है ना? कोड आएगा ना? कोड कहाँ, कौन सी स्टेट? बता सकते हो? हरियाणा और दिल्ली स्टेट का था सर। आज तक हमने कभी नंबर को इतना नोट नहीं किया। नंबर तो आपके पास होगा भाई? नहीं सर, हमारे फोन में से डिलीट। पैसे आपको मिल चुके हैं कि अभी मिलने हैं? सर अभी तक मिले नहीं है। आपके घर वालों को पता आप ये काम कर रहे हैं? वो बोलते हैं घर वालों को पता नहीं लगना चाहिए। इस बार इतना प्रेशर डाला है कि अगर इन्फॉर्मेशन दोगे तो घर वालों को मार दिया जाएगा।
क्या यही बात है? ये सारी बातें फोन पे ही होती थी या कभी मिला है बंदा? बात सुनो ना, इसको टेराइज ना करो, इतना सिंपल सवाल पूछो। संधू साहब तुसी जानकारी दे दो ना, जे तुहानू जानकारी है फिर उस तो नहीं लेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं कहना, मैं सिर्फ ये कहना, मैं ये कहना अपन नु बोलना चाहिए। तुसी ना बोलो ना, संधू साहब उन्हें बोल लेन दो, जो जवाब दे। एक मिनट सुनियो, मेरी बात सुनो ना, कोई बंदा बोलियो उन्हें बोलवा दा अपन। मेरी गल सुनो जी, उन्हें मेनू हथ लाया, उन्हें घर वालों की बात की है। बात तो सुनो, बात सुनो, जब घर वालों की बात की है, उसने मुझे टांग पर हाथ लगाकर बोला ये क्वेश्चन ना पूछो घर वालों की बात। हाँ, इतना डराया हुआ है उन्होंने कि घर वालों को मार देंगे। तो ये बताओ कि कितने लोगों से जो है आप मिले हो, जैसे आप राय एसएचओ का नाम ले रहे हो, उसके अलावा भी किसी और से भी मिले? हाँ, ये पूछ लो। नहीं सर, सिर्फ उन्हीं से ही। तो आपको कैसे पता वो राई के एसएचओ है? क्योंकि सर वो कई बार पहन के आ चुके हैं सर का ड्रेस, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म आप फर्जी बना सकते हैं, तो फिर वो भी फर्जी बना सकते हैं यूनिफॉर्म को? सर इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं सर? कहाँ से ये फर्जी यूनिफॉर्म लेते थे आप? सर मैं नहीं ले रहा सर। डिलीवर कौन करता था आपको जी? डिलीवर कौन करता था आपको यूनिफॉर्म? सर हम यूनिफॉर्म कभी पहनते ही नहीं। आपके लड़के का, आपके लड़कों के ग्रुप का भी कोई एडमिन होगा ना, कोई मेंबर मेन होगा जो आपको ये सब कुछ बोलता था? प्रदीप था, प्रदीप के अलावा? प्रदीप के अलावा नहीं सर। हथियार किसने प्रोवाइड करवाने थे, कहाँ प्रोवाइड करवाने थे आपको, कब प्रोवाइड करवाने थे? सर हथियार आने थे, आ चुके हैं सर। आ चुके हैं? कहाँ पे हैं हथियार? एक मिनट यार, पूरी का कर ना गल होना। वन बाय वन? अच्छा, वन बाय वन आने थे? नहीं नहीं, आप क्वेश्चन वन बाय वन। किस दिन यूज करने थे? यूज करने थे, कहाँ आने थे, थोड़ा वो खुल के ब्रीफ कर दीजिए ना, आपके पास इन्फॉर्मेशन है। आप जान बच जाएगी भाई, आप बोल देंगे तो। सर वो 23 से 26 के बीच में काम होना था सर। अगर ये डिलीवर कहाँ पे होने हैं, वो कोई बताया आपको हथियार कहाँ से मिलेंगे? सर वो बता चुका मैं। हथियार और गोला बारूद था? एक बार दोबारा बता दे कहाँ से मिलने थे वो। सर एक एक क्वेश्चन प्लीज सर। नहीं आप दोबारा बता सकते हैं? बता दीजिए एक बार कहाँ से हथियार मिलने के पास, और जो दूसरी गली है उसके पास। एक मक्खन पो होगा तो दूसरा एक और गली है। पहली बार किस दिन आप यहाँ पर आए, तो रेकी कहाँ कहाँ की आपने? आपने अपनी तरफ से रेकी तो कहाँ की होगी ना आपने? 19 तारीख को आए सर। अगर ये 26 की रैली ना होती, तो अगर कैंसिल हो गई होती, तो फिर क्या प्लान था आपका? सर कुछ भी नहीं था सर, स्टॉप का प्लान था सर उसके बाद। तो सर अभी भी फाइनल नहीं है कि होगा नहीं होगा सर ये। अच्छा ये बताओ, तुमने भी गोली चलानी थी, जो आप कह रहे हो कि चार लोगों को मारना था, तो जिन चार लोगों को मारना था उनमें से उनको आपने भी मारना था? नहीं सर। आपका क्या काम था इसमें, आपकी रोल क्या था, भूमिका क्या थी? सर हमारा रोल सिर्फ ये देखना था कि भाई इनके पास लोगों के पास हथियार वत्यार है नहीं है। तो आपने 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया? क्या सर? 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा आपने यहाँ पे? फिर तब हमने देखा कि सर काफी अच्छे लोग हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं सर इनके पास। इन लड़कियों का क्या रोल था, जो 2 लड़कियां थी उनका रोल क्या था? सर उनका भड़काने का रोल था सर। हैं? भड़काने का रोल था सर। अच्छा, और गोली कितने लोगों ने चलानी थी? सर पीछे से 10 लोग हैं। आप पे बाकी साथी कहाँ ठहरे हुए हैं? सर हमारे साथ अभी कोई नहीं सर। हमारे को ट्रेनिंग मिली है हथियार चलाने की? जी सर। ट्रेनिंग मिली आपको हथियार चलाने की? नहीं सर। अभी पछतावा हो रहा है क्या? सबसे पहले जो है इस तरह का माहौल बिगाड़ने वाला काम आपने कहाँ किया था? जाट दंगों में, जाट एजिटेशन में ही, जो जाटों का आंदोलन हुआ था उसी में किया था? हाँ सर। या उससे पहले भी इन्वॉल्व थे? नहीं सर, उसी टाइम किया था जब हमें पहले पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम थी उस चीज की वजह से। आप उनके संपर्क में कैसे आए थे, कोई आगे आपको मिलाकर, जब सीधे आपने सीधे आप अपने आप टाई अप किया था? नहीं सर, एक लड़का था। कौन था लड़का? सुमित। जी सुमित। सुमित कहाँ का था वो? सर वो गीतामोहन चौक पे रहता था सर। कहाँ पे? गीतामोहन चौक पे। गीतामोहन चौक कहाँ पर? तो क्या जो 10 लोग आपके मेंबर हैं, आप लोग सबका रोल डिसाइड था कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना? हाँ जी सर। और किस तरह के रोल थे सबके? सबके सर जो 10 लोग हैं सर वो राजधाना के थे सर, वो लोगों को शूटिंग का ऑर्डर था सर।
किसको मिलते थे आप जी? किसको मिलते थे अकेले अकेले जब मिलते थे? सर उन्हीं सर को मिलते थे सर। कौन से सर को? कभी कोई मेल या व्हाट्सएप पे भी अप्रोच करते थे आप लोगों को? नहीं सर, सिर्फ फोन कॉल जी। आपके अभी फोन कहाँ पे है? कैसे पकड़ा आपको लोगों ने? सर एक छोटा सा झूठ बोला था सर हमने। क्या? यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा सर, तब पकड़ लिया था सर। पूरा पूरा हाल बयान करो, पूरा हाल बयान करो, कैसे हुआ था ये सब? पूरा हाल बयान करो, आराम से आराम से, पूरा हाल बयान करो, पूरा हाल बयान करो। आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब आपको पकड़ा गया? आप बता दीजिए कि जब आपको पकड़ा तो तब क्या हालात थे वहाँ पर, कैसे पकड़ा गया? आप क्या कर रहे थे? ये ऊंची आवाज में बता दीजिए बस सर। टोटल कितना पैसा मिलना था आपको पूरी टीम को? सिर्फ तुम्हें 10,000 मिलने थे इस काम के लिए। इस आंदोलन के बारे में तुम्हें क्या कहा गया था? क्योंकि ये बहुत शानदार आंदोलन है, सारी दुनिया में इसकी सराहना हो रही है, और तुम्हें क्या बताया गया था? तो ये 10,000 रुपए तुम्हारा पर डे का था या डेली अलग? नहीं सर, पूरे काम का 10,000। एक बात और बता दूं, करनाल में जो अभी आपने जो मनोहर लाल खट्टर की रैली की, वहां का जिक्र किया आपने करनाल का? हाँ सर, सिर्फ जो नकली लोग थे उनको भगाया था सर। नहीं अभी की बात कर रहे हैं ना, रिसेंटली 10-15 दिन पहले जो हुआ है। करनाल की कौन सी घटना का जिक्र कर रहे हो? एक तो दो पिछले महीने हुआ है मनोहर लाल खट्टर की रैली में जब हंगामा हुआ, जब जाट आंदोलन की बात कर रहे हो? सर जब मनोहर लाल की वो थी सर रैली, मनोहर लाल की जो पिछले दिनों की बात कर रहे हो, वहाँ तुम्हारी क्या भूमिका थी? हमारी लाठीचार्ज की थी। तो लाठी चलाई थी आपने? हाँ सर। हैं? हाँ सर। वहाँ क्या पुलिस की वर्दी में थे आप? नहीं सर। पुलिस की वर्दी में थे आप? वहाँ पुलिस की वर्दी में थे आप? सर प्लीज एक क्वेश्चन, आप वहाँ पे पुलिस की वर्दी में थे? क्या किया करनाल में जो जहाँ पे मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम था वहाँ पे सर लाठी चार्ज हुई थी सर? नहीं, आपने लाठी चलाई थी जी। भाई थोड़ा खुल के बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा ना। बोल दो ना। अभी जो आप करनाल की बात कर रहे हैं वो अभी कट्टर की कर रहे हैं? 25 तारीख को जब आंदोलनकारी पंजाब से आ रहे थे तब आप इन्वॉल्व थे लाठी चार्ज में? जाट आंदोलन कोई मोटिवेशनल क्लास वगैरह भी आप लोगों की होती थी कि किस तरीके से करना है या कुछ इस तरीके का भी कुछ था क्या? एक मिनट यार, जोर से बोलना सर। हमारी ट्रेनिंग लेते हैं। किस तरह की ट्रेनिंग होती थी? बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे यार, एक मिनट यार प्लीज, जो क्या कर रहे हो सर? बताते थे वो कि ऐसे ऐसे करना है सर। कैसे? डिटेल बताओ ना भाई, क्या बताते थे? सर वो हमें ये बताते थे कि जैसे भाई पंजाब के है हमारे दुश्मन है, और ये लोग आगे दिल्ली में जो जा रहे हैं वहाँ मारने पीटने जा रहे हैं सर। हाँ ये चीज। अच्छा, और किसी संगठन से भी जुड़े हो? नहीं सर। और ये क्लास कितनी बार हुई, ये ट्रेनिंग कितने दिन की थी? सर एक दो बार हुई है। एक दो बार? कितने घंटे की? सर एक घंटे की है। एक घंटे की? कहाँ बुलाते थे इस ट्रेनिंग के लिए आपको? सर अलग अलग जगह बुलाते थे। कौन कौन? जैसे कौन सी जगह थे? जैसे कि होटल में, कभी ढाबे पे। कौन से होटल में गए? कहाँ पे गए? कौन सा शहर है? कल तक क्लियर कर दो। राम से राम से करो 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 ठीक है। कल
कौन सा शहर, कौन सा होटल, कौन सा ढाबा? इस आंदोलन बारे की किया गया सी? क्योंकि ये शांतमय आंदोलन है, एक किसानों का आंदोलन है, इन्हू की गया सी कि कौन ने बंदे उसका जवाब दो, इसका जवाब दो तुम कि तुम्हें क्या बताया गया था कि यहाँ पर कौन से लोग हैं, क्योंकि सभी दुनिया को पता है ये किसान है। बताइए आप, बताइए बेटा, बता दो हिंदी हिंदी हिंदी, बताइए आपको क्या कहा गया था कि ये लोग कौन है, ये किस चीज का आंदोलन चल रहा है यहाँ पे? सर हमें ये बताया गया था कि ये गलत आंदोलन है सर, कि ये जो आगे जो ये किसान लड़ रहे हैं वो गलत लड़ रहे हैं सर। तो ये कौन है, मतलब किसान ही? और क्या बताया था? कि भाई ये कांग्रेसी लोग हैं और क्या बोल रहे हैं, ये हमारे तुम्हारे लिए दुश्मन है ये जी सर। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।